नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला कानपुर देहात के अमरौधा नगर पंचायत कार्यालय का है, जहां पर एक बार फिर से नगर पंचायत कार्यालय अखाड़ा बना हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिमा गौतम और अधिशासी अधिकारी पंकज सिंह की आपसी तकरार की वजह से एक बार फिर से नगर पंचायत अखाड़ा बन गया, जहां पर कल वार्ड सभासदों की बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिभा गौतम भी उपस्थित हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच कहा सुनी होने लगी। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बाबू से रजिस्टर छोड़ा कर उसमें अधिशासी अधिकारी की गुंडागर्दी लिख दी और बोर्ड मीटिंग छोड़कर अपने चैम्बर में बैठ गई और वहां से डायल 112 पुलिस को सूचना देकर अधिशासी अधिकारी और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। मामला पंजीकृत होने के बाद आज सभी वार्ड सभासदों ने और कार्यालय के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया और जिलाधिकारी कार्यालय के लिए रवाना हो गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद रफसाद है। किस वार्ड के आप सभासद हैं? वार्ड नंबर 6 कटरा मोहल्ला से। अच्छा, आज जिस तरीके से यहाँ पर नगर पंचायत कर्मचारी यहाँ पर कार्य बहिष्कार को लेकर कोई मामला प्रकाश में, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जो है, नगर पंचायत में कल बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग जैसी स्टार्ट हुई 10 मिनट के बाद में चेयरमैन साहब बार बार फ़ोन पे अपने पति से बात कर रही थी, तो और सभासद लोग वार्ड में पूछ रहे थे कि एक वर्ष से मीटिंग क्यों नहीं हुई। उनका जवाब ये था कोरोना काल चल रहा था इसलिए नहीं हुआ, तो सदन में 3 साल से कोरोना काल चलता रहा इसलिए सदन में मीटिंगें नहीं हुई। 3 साल में 2 मीटिंगें हुई हैं और मीटिंग के बारे में सभासद पूछ रहे थे। अध्यक्ष महोदय ने बाबू से रजिस्टर छीन के उसमें लिख दिया कि योगी गुंडागर्दी का मीटिंग स्थगित की जाती है। इसके बाद सारे सभासदों ने एक अप्लीकेशन लिखी वहाँ, किसी तरीके मीटिंग का कोरम पूरा करने के बाद नीचे उतर के आ गए। मैडम अपने ऑफिस में आ गई, उसके बाद अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके और कहने लगी हमें छेड़ा है मेंबरों ने, तो 100 नंबर कॉल कर दी, जबकि पुलिस ऑफिस के ऊपर ही रहती है। मौके पे ऑफिस में मौजूद थी पुलिस, लेकिन उनको ना बता के 100 नंबर में झूठा फ़ोन कर दिया, जिससे 100 नंबर पुलिस वाले आए, उनको तहरीर दी गई। सारे मामले की जांच सीओ साहब के पास गए, वहाँ बयान दिया गया, सीओ साहब ने उसका खुलासा किया, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ झूठी आई। आज कार बहिष्कार को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं सभी कर्मचारी? डीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं, सारे लोग हड़ताल कर ताला लगा दिया। डीएम साहब के यहाँ जा रही है तो हमारा लोगों को पद खत्म करा जाए, चार्ज खत्म कर दिया जाए, या तो हम लोगों की संस्था निरस्त कर दी जाए और मुक्त कर दिया जाए, एसडीएम पावर लगा दी।